Good morning everyone. Today we are going to discuss about class 9 science chapter number 8 motion. Motion that means कोई भी object time के respect में अगर position को change करे उसे हम क्या बोलेंगे motion बोलेंगे. तो simple motion का मतलब होता है कि कोई भी object time के respect में अगर position को change करे that means object motion में है. ओके सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. डिस्टेंस का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पोजीशन में है तो ये क्या हुआ एक पर्टिकुलर पाथ कवर करके यहाँ पर ये डी में आया. सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने जितना पाथ कवर किया यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. ओके सो डिस्टेंस क्या है. जब कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करेगा ओके सो ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी बॉडी के थ्रू जितना पाथ कवर होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर है. डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर है. सो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या क्या डिफरेंस है इसमें. फर्स्ट है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज पॉजिटिव. बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. डिस्टेंस दैट मीन्स वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है जिस पाथ से किसी पार्टिकल के थ्रू वही हो जाएगा डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को शो करते हैं. दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाथ के ऊपर नेचर ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा या तो वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है जो डिस्टेंस होंगे या तो वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए लिया हमने बी लिया और यहाँ पर ए सी है. सो ए बी सी ए बी के बीच में अगर हमने लिया कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको ट्रेवल करने में 1 आवर का टाइम लग रहा है. सेम यहाँ पर भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर लग रहा है. सो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे दैट मीन्स हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर टाइम डिफरेंट हो रहा है अलग अलग हो रहा है अनइक्वल हो रहा है. जैसे इन्हीं दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर फर्स्ट अगर लेते हैं ए बी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है 1 आवर में कम्प्लीट हो रहा है. सेकेंड बी सी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि 2 आवर में कम्प्लीट हो दैट मीन्स डिस्टेंस तो इक्वल है बट टाइम यहाँ पर अनइक्वल है. सो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सेकेंड कंडीशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. दूसरा क्या होगा कि अगर डिस्टेंस दोनों जगह अलग अलग है दैट मीन्स ये है 10 किलोमीटर और यहाँ पर है 20 किलोमीटर. सो 10 किलोमीटर में अगर 1 आवर लग रहा है और यहाँ 20 किलोमीटर में 1 आवर लग रहा है दैट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस क्या है अनइक्वल है बट टाइम क्या लग रहा है सेम. तब भी क्या होगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. नेक्स्ट है स्पीड.
स्पीड का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में। ओके, सो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, तो उन दोनों के जो रेशियो होगा डिस्टेंस टाइम का, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। सो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस दैट मीन्स यहाँ पर आ गया स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होगा, इसका SI यूनिट किसका, स्पीड का। नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जितना भी कोई बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर हर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा, या फिर हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे दो अलग अलग डिस्टेंस हैं, एक ले लेते हैं हम 5 किलोमीटर, एक ले लेते हैं 10 किलोमीटर, और इसमें भी 1 आवर लग रहा है, इसमें भी 1 आवर लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो स्पीड है और यहाँ पर, दोनों में स्पीड में क्या है, डिफरेंट आ गया है। टाइम सेम लग रहा है, डिस्टेंस अलग है। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग में है और उसका जो डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम पीरियड सेम लग रहा है, दैट मीन्स ऐसे स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दैट मीन्स एवरेज स्पीड दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सो अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसी को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब सिंपल है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी दैट मीन्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अनइक्वल होगा। सो डिस्प्लेसमेंट अगर अनइक्वल होगा लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का जो भी रेशियो होगा उसी को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के रेशियो। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन दैट मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर होगा, दैट मीन्स उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। सो अगर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल हर जगह सेम होगा, उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे या उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। सो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे केस में हमेशा डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा।
सेकेंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा जब अनइक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो। जैसे अगर हम थ्री पॉइंट ले लें, 1, 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1 किलोमीटर, यहाँ लेते हैं 2 किलोमीटर, लेकिन दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ पर ही 1 आवर लग रहा है, यहाँ पर भी 1 आवर। इसका मतलब है डिस्टेंस यहाँ पर अनइक्वल है, टाइम यहाँ पर सेम है। दैट मीन्स ऐसा अगर मोशन होगा उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सो यहाँ पर टू टाइप्स के हो सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। सो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है तो उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। सो यहाँ पर जो ये जो आपको यहाँ पर स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप नेगेटिव बना लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप बना। सो नेगेटिव कम बनेगा जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कम ट्रेवल होता रहेगा। सो उस केस में नेगेटिव स्लोप बनेगा, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता रहेगा, ज़्यादा कवर होता रहेगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाने वाले हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, ये फिक्स है। टाइम इंक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सेम वेलोसिटी रहेगा हर एक पॉइंट में। 40 किलोमीटर आवर इनिशियल में भी, देन हर एक पॉइंट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। टाइम आवर में फर्स्ट आवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से कंटिन्यू जा रहे हैं। तो ऐसे वेलोसिटी जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एक्सेलरेशन दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, मूविंग हो रहा है, सो अगर उसके हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी टाइम का जो रेशियो आ रहा है वो फिक्स है, इक्वल है, सो ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे सेम हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता जाए, चेंज होता रहे। जैसे यहाँ पर जो ग्राफ है, सो यहाँ से यहाँ तक ये तो यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक भी यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक भी यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैं ओरिजिन से लेकर लास्ट तक देखूँ, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज। दैट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। सो ऐसे वेलोसिटी को जो टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंज हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम रेशियो निकाले वेलोसिटी और टाइम का, सो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे, सो हर एक जगह में दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट के लिए जो इसका रेशियो आएगा, जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो इसीलिए ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करें उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए जो डायग्राम है हम यहाँ पर देखेंगे, जो डायग्राम आपको दिया है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस जो है ये टाइम का एक्सिस है, तो हम ओ से डी का जो वैल्यू है इसको अपन क्या लेके चलेंगे, टी। सो ओ डी और यहाँ पर है ए सी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा, टी होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू जो है वी है, और यहाँ से ये वैल्यू क्या है, यू है, तो वी में से यू माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी। सो यहाँ पर बी सी का वैल्यू क्या है, वी माइनस यू, एंड ए सी, ए सी दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है ए सी या फिर सी डी, दोनों का वैल्यू क्या होगा, टी ही होगा, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन जब स्टार्ट करेंगे हमें एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है। सो एक्सेलरेशन दैट मीन्स क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप है उसी को हमें निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी चेंज मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो जैसे मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। सो अब मैं टी को क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए टी इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस यू, माइनस यू को जैसे मैं ट्रांसफर करूँ किस में कन्वर्ट होगा, प्लस यू में। सो ये आ गया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ में कितना डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर दो एरिया है, एक है ये रेक्टेंगल का एरिया, दूसरा है ये ट्राइंगल का एरिया। तो अगर मैं इन दोनों के एरिया में निकाल दूँ सो मुझे क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर दो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए सी डी। सो यहाँ पर इनका अगर मैं क्या निकाल दूँ, एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसके वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूँ, ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू होगा टी, यहाँ से यहाँ तक कितना टी, तो टी। बी सी यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी माइनस यू। अच्छा अब ओ डी, ओ से डी तक का डिस्टेंस क्या है, ओ डी, ये भी टी है, ओ से डी तक का वैल्यू भी टी है, और सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू क्या है, यू है। सो ये हो गया टी एंड यू, सो इन दोनों से क्या हुआ, यू टी बना। अच्छा अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें मोशन के फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो वी माइनस यू है उसके जगह पर क्या है, ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज़ करें मोशन के, सो वी माइनस यू के जगह हमने क्या लिखा, ए टी। ओके सो यहाँ पर टी टी क्या होगा, टू टाइम मल्टीप्लाई हो गया, टी टी मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। सो यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में भी हमें क्या निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी हमें एरिया कौन सा चाहिए, ओ ए बी डी, ये वाला एरिया। सो ये जो पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। सो अगर पूरा एरिया जो है ट्रेपेजियम है, सो डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो यहाँ पर जो ये लाइन है ए ओ और यहाँ से डी बी, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, दैट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो हाइट हमने क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ओ
और डी जो है ये हाइट है जिसका वैल्यू क्या है टी है। सो यहाँ पर हमने एस इक्वल टू हाफ, पैरेलल एक साइड का वैल्यू है यू, दूसरा साइड क्या है वी, दैट मीन्स यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी। सो यू प्लस वी एंड जो हाइट है वो क्या है टी है, तो हम हाइट की जगह क्या लिखा टी। अब अगर हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है यू प्लस ए टी इक्वल टू क्या है वी है, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है t का वैल्यू चाहिए, तो मैं u को ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पर हमें t का वैल्यू क्या मिल रहा है, t का वैल्यू मिल रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये। सो यहाँ पर t का वैल्यू मैं जैसे पुट कर दूँ यहाँ पर, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ यू पी को पहले और यू को बाद में, और यहाँ पर जो ए है और टू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा टू ए एस हो जाएगा। सो टू ए एस। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके जगह पर हम तो रीअरेंज करेंगे, पहले हम वी लिखेंगे देन यू लिखेंगे प्लस वाले पार्ट में, ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो जाए। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यहाँ पर माइनस वाले पार्ट को ट्रांसफर कर देने से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये हो जाएगा मोशन का थर्ड इक्वेशन।